गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप यानी रसारोहणी क्रियाविधि के बारे में समझाया था। आज आपके लिए एक नया वीडियो मैं बना रही हूँ। इसके माध्यम से मैं आपको जो चैप्टर स्टार्ट करूँगी वो है ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन। इस चैप्टर को मैंने तीन भागों में डिवाइड किया है। पहले वाले भाग में मैंने जनरल ट्रांसपिरेशन के बारे में, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के प्रकार कितने होते हैं, स्टोमेटल स्ट्रक्चर्स रंध्रों का स्ट्रक्चर क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन रंध्रों का कैसे होता है। सेकंड पार्ट में मैंने मैकेनिज्म, मेन जो है इम्पॉर्टेंट चीज, मैंने मैकेनिज्म कवर किया है। और पार्ट थर्ड में मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन जो है उसको लिया है। आज शुरू करते हैं पार्ट वन यानी ट्रांसपिरेशन क्या होता है। सबसे पहले पौधों के जो एरियल पार्ट्स हैं वहाँ से जल वाष्प के रूप में निकलता है। इस तरह से जल की जो हानि होती है वाटर वेपर्स के रूप में, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब जो ये ट्रांसपिरेशन है इसमें का एवेपरेशन, दोनों में वाटर लॉस होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। ट्रांसपिरेशन और एवेपरेशन में क्या डिफरेंस है आप लोग देखिए। ट्रांसपिरेशन में वाष्प का निर्माण पादप के आंतरिक ऊतकों से होता है, जबकि एवेपरेशन में वाष्प का निर्माण जल की मुक्त सतह पर होता है। दूसरा, ट्रांसपिरेशन जैविक क्रिया है जबकि एवेपरेशन भौतिक क्रिया है। तीसरा, ट्रांसपिरेशन के अंदर क्यूटिकल रंध्र आदि जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसमें इवेपरेशन में कोई भी द्रव वाष्पीकृत हो सकता है और क्यूटिकल और रंध्र जो है उनकी आवश्यकता नहीं होती। चौथा मेन डिफरेंस है कि ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया को जीवित कोशिकाओं में कार्यरत अनेक दाब नियंत्रित करते हैं, लेकिन इवेपरेशन में इस प्रकार का कोई दाबों का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ये तो हुआ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन और इवेपरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो तीन टाइप के ट्रांसपिरेशन के टाइप्स होते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। पहला जो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, तो 50 से 97% ट्रांसपिरेशन जो होता है, टोटल ट्रांसपिरेशन पत्तियों द्वारा होता है, यानी पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा होता है। तो इसे कहते हैं, रंध्रों द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वाटर लॉस जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से होता है। पत्ती की आंतरिक ऊतक रंध्रों के माध्यम से बाहरी वातावरण से जुड़े रहते हैं, इसलिए रंध्रों के खुले रहने पर ट्रांसपिरेशन होता है और रंध्र जब बंद हो जाते हैं जो उसमें ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है। अब आप इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम आपको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन और क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन दोनों दिखा रहा है। क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन क्या होता है आप लोग देख रहे हो कि एपिडर्मिस, आप लोग देख रहे हो, पहले देखो एपिडर्मिस के ऊपर लिखा हुआ है वैक्सीक्यूटिकल यानी मोम। एपिडर्मिस के ऊपर एक परत होती है मोम जैसी, ऊपर लिखा है वैक्सीक्यूटिकल, वैक्स मतलब मोम, मोम जैसी परत होती है उसे कहते हैं क्यूटिकल। तो इस क्यूटिकल में जब दरारें आ जाती हैं या इस क्यूटिकल की भित्ति, क्यूटिकल जब पतली होती है ये पार गब्बे होती है, तो इसके थ्रू या तो दरारें आ जाती हैं, जब ये पार गब्बे होती है इसके थ्रू वाटर लॉस यानी जल की हानि होती है। दूसरा, इस में देखिए नीचे की तरफ जो आपको स्टोमेटा दिखाए हुए हैं, एपिडर्मिस के बीच में जो जगह है उसमें स्टोमेटा दिखाए गए हैं, तो ये स्टोमेटा जो है इनके थ्रू जो है वाटर लॉस होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और ये आंतरिक ऊतक इस स्टोमेटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और इन स्टोमेटा के थ्रू जल की हानि होती है। तो ये तो हुआ आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो रंध्र द्वारा होता है। सेकेंड हुआ क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन जो कि 3 से 10% तक होता है, 10% 3 से 10% तक जो वाटर लॉस होता है, जल की हानि होती है, वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन द्वारा होती है। अब थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, वात रंधी वाष्पोत्सर्जन।
अब आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें येलो कलर के जो पैरेन्काइमल सेल्स हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं और इसके ऊपर लेंटिसल्स दिखाए गए हैं। काष्ठीय तनों व फलों की सतह पर छाल में अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें लेंटिसल्स कहते हैं। इनमें आंतरिक अवकाशों युक्त मृतकी कोशिकाएँ उपस्थित होती हैं जिन्हें हम कम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। इन सेल्स से जल वाटर वेपर्स के रूप में धीरे धीरे बाहरी वातावरण में विसरित होता है। 0.1% जो है जल की हानि वो लेंटिसल्स के द्वारा होती है। तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की रेट जो है बहुत कम होती है, जस्ट 0.1 जो है होती है। तो आपको यहाँ लेंटिसल्स का डायग्राम दिखाया गया है। पैरेन्काइमल सेल्स जो हैं लूजली अरेंज्ड हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, उसके ऊपर जो है ओपन स्पेस जो है लेंटिसल्स हैं जो काष्ठीय तनों फलों की सतह पर छाल में दिखाई देते हैं। तीसरे जो इम्पोर्टेंट संरचना है आपको दिखा रहे हैं स्टोमेटल संरचना। आप दो तरह के स्टोमेटा देख रहे हो। पहला डायग्राम है स्टोमेटा जिसमें खुला हुआ है और सेकंड डायग्राम है नीचे लिखा है स्टोमा क्लोज्ड यानी स्टोमेटा क्लोज्ड है। अब आप देखिए कि ये जो डायग्राम है स्टोमेटा ओपन में डायग्राम, आप देखिए कि इसमें दो किडनी शेप्ड राजमा आप लोगों ने देखिए, ये किडनी शेप्ड दो कोशिकाएं हैं और इसके कोशिकाओं के बीच में वाइट कलर का जो है स्टोमेटल छिद्र है, इसे जो बता रहा है कि स्टोमेटा खुला हुआ है। जो किडनी शेप के राजमा के आकार की जो दो कोशिकाएं हैं ये मुख्य कोशिकाएं हैं जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स जिसकी शेप मैंने आपको बताई है ये किडनी शेप्ड होते हैं या राजमा की शेप के होते हैं। अब इन गार्ड सेल्स में आप देखो ये रेड कलर का आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है और ग्रीन सेल जो हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं और क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें प्रकाश संश्लेषण करते हैं। गार्ड सेल्स की एक विशेष खासियत है, मतलब इसका एक विशेष करैक्टर है, इनकी अंदर की भित्ति आपको दिखाई है डार्क ग्रीन कलर से मोटी होती है। अंदर की भित्ति इनकी टूवर्ड्स स्टोमेटल पोर की तरफ जो भित्ति होती है वो मोटी होती है और बाहर की तरफ जो भित्ति होती है वो पतली होती है। तो इस भित्ति की इस टाइप की संरचना के कारण गार्ड सेल्स जब पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो टर्जिड हो जाते हैं यानी फूल जाते हैं और जब पानी इनमें से निकलता है एक्सोस्मोसिस द्वारा तो गार्ड सेल्स जो हैं वो फ्लेसिड हो जाते हैं। अब ये दो गार्ड सेल्स के बाहर आपको जो कोशिकाएं दिख रही हैं इन कोशिकाओं को हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स या बाहर लिखा हुआ इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है एपिडर्मल सेल्स। तो गार्ड सेल्स की जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है वो डिपेंड करती है टर्जिडिटी और फ्लेसिडिटी, इन कोशिकाओं की टर्जिडिटी और फ्लेसिडिटी पर डिपेंड करती है। ये तो हुआ आपका जो है इसकी संरचना। नेक्स्ट जो है डिफरेंट टाइप्स के जो रंध हैं, क्या किस टाइप के रंधों को हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो अब टाइप्स ऑफ स्टोमेटा को आप देखो, पहले जो बताया गया है रंधों के प्रकार यानी वितरण के आधार पर किस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया गया है एप्पल एंड मलबरी टाइप का। एप्पल और मलबरी टाइप में क्या है, रंध की पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित, रंध जो है पत्ती की केवल निचली सतह पर उपस्थित रहते हैं और इसमें एग्जाम्पल बताया है पीच या ऑक्सलिस। सेकेंड जो है पोटैटो टाइप, रंध पत्ती की ऊपरी सतह की अपेक्षा निचली सतह पर अधिक संख्या में होते हैं, यानी निचली सतह पर अधिक संख्या में होते हैं ऊपर कम, तो इस टाइप के स्टोमेटो को कहेंगे पोटैटो टाइप। ये उदाहरण है इसके टमाटर और बैंगन। नेक्स्ट जो है ओट टाइप, रंधों की संख्या पत्ती की दोनों सतह पर समान, जब दोनों सतह पर रंधों की संख्या समान होगी उन्हें हम कहेंगे ओट टाइप, जो कि स्पेशल जो है मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। चौथा है वाटर लिली टाइप में रंध पत्ती की केवल ऊपरी सतह पर वितरित होते हैं, केवल ऊपरी सतह पर, ध्यान रखिएगा रंध केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर वितरित होते हैं या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और एग्जाम्पल है एक्वेटिक प्लांट्स जो कि जल में रहते हैं, और विद एक्वेटिक प्लांट्स कौन से, जिनके लीव पत्तियां जो हैं पानी के ऊपर तैरती हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स मतलब जलीय
पादप जिनकी लीव्स जो हैं पानी के ऊपर तैरती हैं, उनमें वाटर लिली टाइप जो हैं स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पोटामोजिटन टाइप। पोटामोजिटन टाइप में रंध्र टोटली अनुपस्थित, और यदि कभी प्रेजेंट भी होते हैं तो वो निष्क्रिय होते हैं या इनएक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने बताया है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, जितने भी डूबे हुए सबमर्ज मतलब जो पूरे कम्प्लीटली डूबे हुए हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जलोद्भिद पादप होते हैं, उसमें इस टाइप के रंध्र पोटामोजिटन टाइप के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पत्तियों को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, हाइपोस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक और एम्फीस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक मतलब रंध्र निचली सतह पर केवल प्रेजेंट होते हैं पत्तियों पे, एपिस्टोमेटिक रंध्र ऊपरी सतह पर प्रेजेंट होते हैं पत्तियों के, और एम्फीस्टोमेटिक मतलब ऊपरी और निचली सतह पर दोनों पे रंध्र प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पत्तियों को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। लास्ट इस वीडियो में दैनिक गतिविधियों के आधार पर रंधों को कैसे डिवाइड करते हैं। दैनिक विधि मतलब कैसे स्टोमेटा दिन के टाइम पे ओपन होते हैं या रात के टाइम पे ओपन होते हैं, कितने टाइम के लिए ओपन होते हैं, यानी दैनिक गतिविधियों के ऊपर जो है स्टोमेटा को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पहले आपने देखो लिखा है अल्फा अल्फा टाइप, रंध दिन में खुले रहते हैं तथा रात्रि में बंद हो जाते हैं। मीजोफाइट्स पादप इसमें उदाहरण है, मटर है, सेम, मूली, इसमें पोटैटो टाइप के अल्फा अल्फा टाइप के जो हैं स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। सेकंड है पोटैटो टाइप, रंध हमेशा खुले रहते हैं तथा सायकाल में कुछ घंटों के लिए ही बंद रहते हैं। तो हमेशा रंध खुले रहेंगे, केवल सायकाल में कुछ घंटों के लिए रंध बंद रहते हैं, इन्हें कहते हैं पोटैटो टाइप। जैसे प्याज है, बंद गोभी है, उसमें इस टाइप के स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तीसरा है इक्विजिटम टाइप, इसमें हमेशा रंध खुले रहते हैं, इसका उदाहरण है एम्फीबियस प्लांट्स। तो इक्विजिटम टाइप में रंध हमेशा खुले रहते हैं। चौथा है बार्ले टाइप, बार्ले टाइप में हमेशा रंध बंद होते हैं, केवल दिन में कुछ घंटों के लिए खुलते हैं। तो हमेशा रंध बंद रहेंगे, केवल दिन में कुछ घंटों के लिए खुलेंगे। एग्जांपल है वीट यानी गेहूं, मेज यानी मक्का। सकुलेंट टाइप, सकुलेंट है मांसलभित पौधों में, इसमें जो रंध हैं दिन में बंद होते हैं, रात्रि में खुलते हैं। सकुलेंट यानी मांसल आपने देखे होंगे, ओपुंसिया और कैक्टस। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों कि ये जो क्लासिफिकेशन है, स्पेशली जो दैनिक गतिविधियों के आधार पर जो मैंने बताई है, ये क्लासिफिकेशन आप लोग जो यहाँ मैंने बताई है इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि कितनी बुक्स में अलग अलग थोड़ी सी गलतियाँ हैं, जो हिंदी की बुक्स हैं उसमें थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आप इसको दैनिक गतिविधि के आधार पर जो मैंने आपको PDF फाइल भी शेयर की है इसको आप लोग फॉलो करिए। तो ये हुआ पार्ट वन। सेकेंड पार्ट में मैं आपको PDF भी शेयर करूंगी और आपको वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे ट्रांसपीरेशन का मैकेनिज्म होता है और थ्योरीज क्या हैं ट्रांसपीरेशन के मैकेनिज्म में। थैंक यू।